Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to my channel Jack of All Trades, and I hope you are doing just absolutely fine. दोस्तों सांस बिल्कुल फूल गया है. एक्चुअली मैं 2 किलोमीटर नीचे से वॉक करता करता आ रहा हूँ, और क्यों मैं आ रहा हूँ ये आप देख सकते हैं. मेरे बिल्कुल पीछे ये है शारा भाई मोनेस्ट्री बुनतर, जो कि मनाली से अराउंड 50 to 60 किलोमीटर पहले पड़ती है. तो हम लोग हिमाचल के टूर पर निकले हुए हैं, और ये हमारा एक तरीके से आप कह सकते हो कि फर्स्ट स्टॉप है सारा भाई मोनेस्ट्री बुनतर. सो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल फ्रेंड्स, एंड जो लोग भी ये व्लॉग पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक करें. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस व्लॉग. हम नहीं बताना चाहते हैं वो भी इंग्लिश में. आप हमें यहाँ लेके आया, हम बताते तो क्या है यार. नहीं, 6:30 बजे मोनेस्ट्री खुलेगी, तभी तब लामा जी आएंगे, तब वो हमें सब समझाएंगे. और अंकिता तुम्हारा क्या रिएक्शन है? I have to see what is this. What happened? What is your reaction him in reaching this monastery? Say some words about the monastery. That is very beautiful, and then good weather here. Good weather? Yeah, good weather. So you also have this kind of monastery in Thailand? Different. It is mixed like Chinese too. Yeah, okay. It's different. It's actually kind. Tibetan. Yeah, it is different. You have different? Have different. Little bit, not much. भाई चाइना वालों की monastery लाया है. हमने यहाँ पे एक लामा जी है, हमारे फ्रेंड है, उनसे पता किया था कि आज शाम 6:30 बजे पूजा अनफॉर्चुनेटली नहीं है, तो आज हम लोग पूजा अटेंड नहीं कर पाएंगे. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग पूजा अटेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने आज यहाँ पे 3 अपने रूम्स बुक करा लिए हैं, और हम आज यहीं स्टे करने वाले हैं. क्योंकि यहाँ आने के बाद इतनी शांति महसूस हुई और इतना अच्छा लगा कि हमने सोचा कि आज रात का स्टे हम लोग यहीं कर लेते हैं. तो इस वजह से अब हम लोग सुबह आप लोगों से मिलेंगे, और सुबह की पूजा अटेंड करेंगे, और आपको दिखाएंगे मोनेस्ट्री अंदर से भी, और जानेंगे लामा जी से कुछ मोनेस्ट्री के बारे में, अगर वो हमें कुछ बता सकें तो. तो बने रहिएगा हमारे इस व्लॉग के साथ, और मिलते हैं आप सबसे एक छोटे से ब्रेक के बाद. दोस्तों वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक एंड गुड मॉर्निंग. दिस इज़ अ न्यू डे टुडे, और जैसे कि मैंने कल शाम आपको बोला था, आज हम मोनेस्ट्री के अंदर जाएंगे और हम आपको दिखाएंगे कुछ बेहतरीन चीज़ें. तो चलते हैं मोनेस्ट्री के अंदर. यहाँ का ये मेन डोर है. एक्चुअली मंदिरों तो मैं काफ़ी गया हुआ हूँ, और मंदिरों का तो मुझे आइडिया है, लेकिन मैंने कभी आज तक कोई मोनेस्ट्री नहीं गया, तो उसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है. बट हमारे साथ हमारे दोस्त लोग हैं, तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे मोनेस्ट्री के बारे में. देचेन चोइखोर महाविहार मठ, जिसको आप शारा भाई मोनेस्ट्री के नाम से भी जानते हैं, ये मोनेस्ट्री हिमाचल के बुनतर शहर में बियास रिवर के लेफ्ट बैंक के माउंटेन के टॉप में स्थित है. और इस मोनेस्ट्री की ये मान्यता है कि ये मोनेस्ट्री 16th सेंचुरी में बनाई गई थी, और
इस मॉनेस्ट्री का जो मेन गोल है या आप कह सकते हैं कि विजन है वो ये है कि तिब्बतीन कल्चर को और बुद्धा की टीचिंग को लोगों तक पहुंचाया जा सके। ये मॉनेस्ट्री कुल्लू शहर से 13 किलोमीटर्स और मनाली से 53 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे पड़ती है। और इस मॉनेस्ट्री की जो मदर मॉनेस्ट्री है जिसका कि नाम है द्रुक चोई खोरलिंग, ये तिब्बत के ल्हासा क्षेत्र में स्थित है। मैं जब इस मॉनेस्ट्री के अंदर गया तो मैंने देखा कि बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल बीच में शाक्यमुनि बुद्धा की एक 31 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है, जिसके लेफ्ट और राइट साइड में आप देख सकते हैं कि जो तारा देवी हैं और रिम्पोचे पद्मसंभवा हैं उनकी दो मूर्तियां लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड पे लगाई गई हैं। इस मॉनेस्ट्री के अंदर जाके मैंने देखा कि बहुत ही शानदार और खूबसूरत पेंटिंग्स अलग अलग कलर की, चाहे दीवार हो, चाहे छत हो, चाहे अंदर हो, चाहे बाहर हो, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स यहाँ पे मेरे को देखने को मिली। और ऐसे बहुत कम जगह होते हैं मंदिरों में, मैंने एक बद्रीनाथ का मंदिर देखा था जिसमें कि इसी तरीके से बाहरी तरफ से उसको कलरफुल बनाया गया था। और इस मॉनेस्ट्री के अंदर तो अंदर और बाहर दोनों ही जगह बिल्कुल ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत हाथ से बनाई हुई पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। भगवान बुद्ध को और तारा जी और रिम्पोचे पद्मसंभवा को के स्टैचू के आगे लोगों ने या पुजारियों ने बहुत सारे खाने पीने के सामान प्रसाद के तौर पे रखे हुए थे। अब मेरे को उस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं पता तो मैं बोलूँगा नहीं उस चीज़ के बारे में, लेकिन एक तिब्बतीन कल्चर है जो कि लोगों ने अपनी तरफ से भेंट भगवान को चढ़ाई हुई थी। जो लामा जी हैं यहाँ पे उनसे हमने पूछा, पता किया, तो उन्होंने हमें बताया कि 5 साल से लेकर 42 ईयर्स एक लास्ट एज है जब तक कि जो बच्चे हैं वो यहाँ आते हैं, बड़े भी आते हैं और पढ़ाई करते हैं बुद्ध धर्म के बारे में और तिब्बतीन कल्चर के बारे में पढ़ाई करते हैं। और बहुत ही स्ट्रिक्ट एक पैटर्न है इन लोगों का जिसको फॉलो करना पड़ता है इनको डिसिप्लिन के साथ। 6:30 बजे सुबह इनका नाश्ता होता है सभी लोगों का, 12 बजे के आसपास लंच होता है। लामा जी ने बताया कि हर एक करिकुलम कंप्लीट होने के बाद एक जो बुद्धिज़्म में जो न्यू ईयर मनाया जाता है उस टाइम पे एक पेपर भी लिया जाता है जो भी चीज़ें लोग यहाँ पे पढ़ते हैं और उस हिसाब से उनको प्रमोट किया जाता है और मार्क्स भी दिए जाते हैं। रहने खाने की सुविधा, सारी सुविधाएं आपको मॉनेस्ट्री के अंदर मिलती हैं और लोग यहीं रहते हैं और अपना काम स्वयं करना ही पसंद करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करके ही पूरी दिनचर्या इस तरीके से चलती है। तो एक बहुत ही शांत और डिसिप्लिन्ड माहौल में हमने इस मॉनेस्ट्री के दर्शन किए और काफ़ी अच्छा लगा इस मॉनेस्ट्री में आके और बुद्धिज़्म के बारे में और तिब्बतीन कल्चर के बारे में जान के। तो जब भी आपका आना हो कभी मॉनेस्ट्री या कुल्लू मनाली की तरफ तो आप शाराबाई मॉनेस्ट्री आ सकते हैं और यहाँ पे घूम सकते हैं। मॉनेस्ट्री के बाहर कैफ़े भी है जहाँ से आप चाय, कोल्ड ड्रिंक, समोसा या कुछ भी खाने पीने की चीज़ें ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, खा सकते हैं। और अपने साथ कुछ अगर आपको मोमेंटोज़ या ऐसे कुछ चीज़ें खरीदनी हैं जो कि आप अपने साथ घर लेके जा सकते हैं एज अ गिफ्ट या एज अ मीन्स एज अ निशानी की, मतलब आप यहाँ पे आए थे, सिंबल ऑफ योर विजिट, तो आप वो भी यहाँ से उस कैफ़े से आप प्राप्त कर सकते हैं। सो दोस्तों, इसी के साथ हम लोग अपना ये मॉनेस्ट्री वाला व्लॉग को एंड करते हैं और काफ़ी चीज़ें हमें नई देखने को मिली यहाँ पे। एंड आज का जो हमारा प्लान है वो है कि हम लोग जिस्पा की तरफ जा रहे हैं जो कि लाहौल डिस्ट्रिक्ट हिमाचल में पड़ता है, और आज वहाँ पे हमें बर्फ़ देखने को भी मिल सकती है, ऐसी प्रेडिक्शंस हैं। तो नेक्स्ट व्लॉग हम आप जिस्पा से आपको दिखाएंगे।
एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, जो भी करिए, लेकिन मेरे चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद दोस्तों।